आज पढ़ेंगे आयुष्मान योजना। इसका लाभ ₹5 लाख प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत बीमारी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपने बीमा दस्तावेज देना होगा। इसके आधार पर अस्पताल उपचार के व्यय के बारे में बीमा कंपनी को सूचित कर देगा और बीमार व्यक्ति के दस्तावेज की पुष्टि होते ही बिना पैसे दिए हो सकेगा। यह योजना के अंतर्गत बीमार व्यक्ति सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी अपना उपचार करवा सकेगा। कृषक समृद्धि आयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लिए कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया है। यह आयोग उन उपायों के बारे में सुझाव देगा जिससे वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके। कृषक समृद्धि आयोग के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रदेश के कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष होंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सामूहिक विवाह योजना। 26 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ₹35,000 की दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर ₹51,000 कर दिया। ध्यातव्य है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 में गरीब परिवार की कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत पहले ₹35,000 दिए जाते थे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या व उसके विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह सहायता बालिका के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा तक समय समय पर दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हों और परिवार में कम से कम एक कन्या अवश्य हो। योजना की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए यह योजना आरंभ की गई। लड़कियों के जन्म से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने तक 6 चरणों में ₹15,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने की उपबंध किया गया है। प्रथम चरण बालिका के जन्म से जन्म के समय 2,000, द्वितीय 1 वर्ष पूरा होने पर टीकाकरण पूर्ण करने पर ₹1,000, तृतीय कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹2,000, चौथा कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹2,000, पांचवा कक्षा 9 में प्रवेश पर ₹3,000, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक डिप्लोमा में प्रवेश के समय ₹5,000 की सहायता राशि दी जाएगी। सारथी संध्या वाहिनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 फरवरी 2019 को सारथी संध्या वाहिनी की शुरुआत की। सारथी संध्या वाहिनी राज्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस वाहिनी का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वाहन के जरिए विभिन्न डॉक्यूमेंट्री तथा फिल्मों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा एनसेफेलाइटिस के उन्मूलन के लिए भी एक अभियान दस्तक शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना और ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करना। अभियान का पहला चरण 10 से 18 फरवरी 2019 तक था, दूसरा चरण 15 मई से 15 जून तक और तीसरा चरण 1 जून से 30 जून तक चला। ध्यातव्य है कि इंसेफ्लाइटिस सबसे आम वायरस संक्रमण है जो हल्के फ्लू जैसे लक्षण, तासीर दर्द और बुखार का कारण बनता है। देश का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2018 को वाराणसी में गंगा नदी पर भारत
पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही एक 1383 किलोमीटर लंबे वाराणसी हल्दिया गंगा जलमार्ग का शुभारंभ किया गया। देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को वाराणसी में रामनगर स्थित राल्हुपुर में 206 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 879 दिनों में तैयार किया गया। परिवहन के लिए सड़क, रेल और जल मार्ग को इस टर्मिनल से जोड़ा गया। पेप्सिको कंपनी गंगा नदी के रास्ते जलपोत एमवी रविंद्र टैगोर वाराणसी से इफ्को कंपनी का उर्वरक लेकर वापस कोलकाता गया। यह प्रथम अवसर जब नदी मार्ग कारोबार के लिए देश व्यापक स्तर पर प्रयोग में सक्षम हो गया। राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर वाराणसी के अलावा साहिबगंज झारखंड और हल्दिया पश्चिम बंगाल में भी सेकेंड मल्टी मॉडल टर्मिनल निर्माणाधीन है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? एक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत प्रयागराज हल्दिया तथा हल्दिया तक भागीरथी गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में 1620 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग एक का 5369 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। जल विकास परियोजना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा क्रियान्वित है। विश्व बैंक व भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50 के अनुपात में है। मिशन गंगे अभियान। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतरोही विचेंद्री पाल के नेतृत्व में 5 अक्टूबर सन 2018 को हरिद्वार से मिशन गंगे अभियान की शुरुआत हुई है। यह अभियान 30 अक्टूबर सन 2018 को पटना में संपन्न हुआ। इस अभियान के अंतर्गत 27 दिन हरिद्वार से पटना की 4500 किलोमीटर की दूरी राफ्टिंग के द्वारा पूरी की गई। इसमें गंगा नदी की सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने पर बल दिया गया। इस अभियान में 20 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल ने भाग लिया। विश्व में 5 नदियों का संगम। चंबल के बिहड़ों में स्थित 5 नदियों के अद्भुत संगम है। 5 नदियों का यह संगम उत्तर प्रदेश के इटावा जिला मुख्यालय के से 70 किलोमीटर दूर बिठौली गाँव में है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। समूचे विश्व में इटावा का पंचदाही एक स्थल है। समूचे विश्व में इटावा पंचदाही एक स्थल है, जहां पर 5 नदियों का संगम। ये नदियां यमुना, चंबल, क्यारी, सिंधु, पहुज है। नदियों के दुर्लभ संगम प्रयागराज इलाहाबाद को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 5 नदियों के इस संगम स्थल को त्रिवेणी जैसी धार्मिक महत्व नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश में सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, नोडल विभाग, गरीबी उन्मूलन, ग्राम में विकास, भुखमरी समाप्त करना, कृषि, सभी के लिए स्वस्थ जीवन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नो पुवर्टी, ग्राम में विकास, जीरो हंगर, कृषि, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, क्वालिटी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। इस तरह हमारी ये समाप्त होता है।